जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों नमस्कार। और एक एक लड़की की मौत का मामला सामने आया है और परिजन सारे के सारे यहाँ पे है मौजूद गंगापुर सिटी के अस्पताल में। आइए मालूम करते हैं क्या मामला है। ये इनके परिजन हैं, बच्ची के पिताजी हैं। सर क्या बात हुई थी? साहब मेरी बच्ची की मैंने 12 साल पहले शादी की थी। क्या नाम बच्ची का? मेरी बच्ची का नाम था अनुराधा सोनी जी। और साहब मेरी बच्ची को एक भी दिन इन्होंने सुखी नहीं रखा। मेरी बच्ची को हमेशा परेशान किया, धमकी देते थे कभी। साहब ये साहब पूरा परिवार फ्रॉड है और इनके और जेठ और ही ज्यादा फ्रॉड है। जेठ जिसका नाम राधा मोहन सोनी है और एक साहब ओम प्रकाश है। पति का क्या नाम है? पति का नाम अशोक सोनी है। वो महान निकट्टू नशेबाज नंबर एक का आदमी, कोई काम नहीं करता है। मैं साहब बहुत बार काम करवाए, काम नहीं किया साहब, सबको पैसे को खा गया। अब साहब मुझे सूचना नहीं दी इन्होंने और साहब मुझे जाने कैसे कैसे मेरे बच्चे के द्वारा सूचना मिली है। मेरी बेटी मार दी साहब इन लोगों ने। साहब मुझे साहब न्याय चाहिए साहब। देखो ना छोटा बच्चा था मेरी बच्ची का और इससे छोटी बेटी। शादी कितने दिन हो गए सर? जी सर शादी को कितने दिन? मैं साहब 12 साल के लगभग हो गए साहब। पहले भी कोई मामला हुआ था इस बीच में कोई? हाँ साहब तू में तो होती रहती थी साहब लड़की से। कोई पैसे वैसे मांगे थे आपसे? मैं साहब 2 लाख रुपए दिए साहब 3-4 साल पहले। अभी जयपुर में काम करवाया था, 1.5 लाख रुपए दिया था काम करवाने के लिए। होटल खुलवाया था साहब, 1.5 लाख रुपए दिया है साहब मैंने। आज आपका क्या आरोप है आज? आज साहब मेरी बच्ची मर गई साहब, मार दी इन्होंने साहब, धमकी देते थे साहब। जब अब जहर दिया क्या दिया ये तो सब भाई तो मालूम पड़ेगी। मैं तो साहब अभी तक बेटी की शक्ल ही नहीं देखी है मेरी की। नाम को साहब इनके ससुराल वालों ने मरने के बाद इन्हें बताया कि आप कहाँ के रहने वाले? मैं साहब भरतपुर से आया हूँ साहब। भरतपुर से आए हैं और इनको सूचना लगी थी कि इनकी बच्ची को जहर देकर मार दिया गया, ये इनका आरोप है जी साहब। और अभी फिलहाल मोर्चरी में सब रखा हुआ है और करौली पुलिस भी आई हुई है यहाँ पर। हाँ साहब। और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल करेंगे साहब, पहले हम रिपोर्ट लिखवा रहे हैं साहब। और यहाँ पर रिपोर्ट भी लिखी जा रही है उनके खिलाफ और हम दिखाना चाहेंगे। बच्चन जी आप गए ना बस शुगर है देख रहे हैं। इनका सबको 2-3 सालों का पेट तो अकेली पाल देती थी मेरी बच्ची साहब। सिलाई करके पेट पाल देती थी, मेहनत मजदूरी करती थी साहब, दो सिलाई भी नहीं कर देती सिलाई कर करके। और सालों ने जो जोड़ा उसे चोर कर लेगा, चोरी कर लिया था जो आपके कहा था चोरी की थी उसके घर में जाके गांव में निकल के आया रात को। मेरी बेटी की ने आज एंट्री कर दिया कुत्तों ने, इनका कुत्ता ना जाया मेरी बेटी का। कर्मचारी कॉलोनी में साहब उनको बच्चा है। हाँ साहब ये बच्ची का बच्ची का बच्चा है साहब। मेरे धमाल साहब कर्मचारी कॉलोनी में साहब बच्चे साल का देखो जी। और सुनिए साहब और वहाँ गांव में ले जाके इन्होंने कोई जागरण का प्रोग्राम का नाटक किया और उसके ओम प्रकाश जो मेरी लड़की का जेठ था उसके पास घर की चाबी थी। दूसरे दिन सुबह मालूम पड़ी चोरी हो गई। लड़की के सारे माल को चुरा के नहीं ले गए ये जेठ और ये इसके लड़की का। मेरा कम से कम साहब 100-125 ग्राम सोना था साहब। ये साहब नमाशा इसका बयान लो आप। मेरी बहन थी अनुराधा सोनी, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ और यहाँ पे गंगापुर सिटी में 31 मई 2010 को उसकी शादी की गई थी। देखिए शादी के बाद से बहुत ज़्यादा परेशान थी, 2-3 जगह उसको हमने काम भी करवाया, जयपुर करवाया, गंगापुर भी करवाया, लेकिन उसको मारने पीटने देते थे, धमकी देते थे, तलाक की धमकी देता था। कोई बच्ची का फोटो है आपके पास? फोटो जब चोरी काम की कहती है घर तलाक दूंगा भी आई क्या दूंगा तलाक के कागज ला पहले मुंबई जा रहा हूँ मुंबई। देखो साहब मेरी बच्ची है और इसकी थोड़ी लाइट कर लो, थोड़ी लाइट ज्यादा जल्दी से जल्दी नहीं लाइट खोल दो, थोड़ी और खोले दो, थोड़ी साफ आ जाए जल्दी जल्दी से जल्दी। इनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मतलब गंगापुर सिटी के अंदर हंगामा होगा और बहुत आंदोलन होगा, जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। गिरफ्तारी होनी चाहिए इनकी तुरंत। आप कोई देखो साहब बच्चन जी पूछो, ये सब मेरी बच्ची है जी सर। ऐसे ऐसे कपड़ा सिलती तुमको
ਬੁਟੀਕ ਬਣੀ ਵੈਸ ਦੇ ਕਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਡਰੇਸ ਉਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਹੱਤਿਆਰੋ ਕੋ ਜੇਲ ਮੇ ਡਾਲ ਦੇਣਾ ਔਰ जेल में जब ही डालेगी साहब आप लोगों को डिमांड करो ना हम खड़े हैं तुम्हारे साथ में डिमांड करो साहब डिमांड कर रहा हूँ साहब डिमांड करो ऐसे आदमियों को जेल होनी चाहिए खड़े हैं आप और ताकि साहब मतलब इनको तो है औरों को भी बच्चों के लालन पालन के लिए पूरी व्यवस्था करवाई जाए बच्चों के लिए इससे छोटी साहब बच्ची हो रहे साहब मेरी नमाजी हो रहे इससे छोटी बच्चों का भविष्य खराब कर दिया होगा ये मामला आया है और अभी करौली पुलिस है और FIR भी लिखी जा रही है इनके खिलाफ रोटी नहीं रही साहब मेरी लड़की के लिए रोटी नहीं रही साहब खाने के लिए इन पर रोटी नहीं निकली ये वाला फोटो मेरे पास से पता है जी सर निन्यान में अच्छा ही रोटी अगर आपको मैं साहब मैं नौ करो मैं 6 तारीख को आऊंगा मैं 6 तारीख को बैठ कर 4 और यहाँ पर रिपोर्ट भी दिखाई जा रही है काफी परिवार जनों में काफी आक्रोश आक्रोश है 24:15 गंगापुर सिटी के सरकारी अस्पताल में एक बच्ची का मामला आया है मौत का मामला है और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है यहाँ पर और करौली पुलिस भी यहाँ मौके पर मौजूद है जी करौली पुलिस बिल्कुल मौके पर क्या मामला था ये मामला था कोटा मोहली गांव का एक आपके अशोक कुमार जी सोनी हैं उनके घर से और वो दोनों पति पत्नी कहीं दर्शन करने जा रहे थे किसी मंदिर पे वो ये बता रहे हैं कि मेरी पत्नी को रास्ते में चल के उल्टी हो गई थी और मैं उसको इलाज के लिए यहाँ गंगापुर ले आया था गंगापुर भी रहता है वो जी ये बताया साहब आगे कार्रवाई जारी है फिलहाल दूसरे इनके जो पीआर पक्ष आ चुका है और कोई उनकी तरफ से कोई खिलाफ कोई रिपोर्ट दी अभी पीआर पक्ष वहाँ बातें कर रहा है और वो रिपोर्ट ला रहा है करौली पुलिस के एसआई साहब यहाँ पर मौजूद हैं और वो रिपोर्ट देने का इंतजार कर रहे हैं और आप देख सकते हो पोस्टमार्टम की तैयारी होने वाली है जब रिपोर्ट दे देंगे गंगापुर सिटी के मोर्चरी में अभी सब रखा हुआ है पूरी तो अंदर ही है।